Students, my name is Pooja, associate professor from Hygeia group of institutions. Today I am going to teach the topic, that is biphasic liquid dosage forms. Now these are the contents of biphasic liquid dosage forms. Number 1, introduction. Number 2, classification of biphasic liquid dosage forms. Number 3, suspensions. 4, classification of suspensions. 5, factors affecting the stability of suspension. 6, formulation of suspensions. 7, and last, packaging and storage of suspension. Now come through the introduction. बच्चों, हमने पहले की क्लासों में बताया है कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स और बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं. बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स वो प्रिपरेशंस होती हैं जो जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल्स को किसी सॉल्वेंट में ऐड करके साथ में उसके कोई डिस्पर्सिंग एजेंट या कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट उसमें हम ऐड करके प्रिपरेशन को एक या दो स्टेप में, दो या दो से अधिक स्टेप में बनाते हैं. वो प्रिपरेशन हमारी कहलाती हैं बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स. सो बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स इज़ वन विच कंटेन्स टू फेजेस. इट इंक्लूड्स अनडिजॉल्व्ड ड्रग एंड सॉल्वेंट. अनडिजॉल्व्ड ड्रग मीन्स सॉल्यूट. सॉल्वेंट मीन्स द व्हीकल इन विच द ड्रग इज गोइंग टू बी मिसिबल. द अनडिजॉल्व्ड फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट. सस्पेंशन में बच्चों क्या होता है कि जो अनडिजॉल्व्ड ड्रग होती है वो हमारी अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में रहते हैं, पार्टिकल साइज स्मॉल होते हैं और वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं और वो एक सस्पेंशन का फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं. इन दिस प्रिपरेशन अनडिजॉल्व्ड फेज इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट विच इज़ यूज फॉर डिस्पर्सिंग द ड्रग दैट इज़ नोन एज डिस्पर्स्ड मीडियम. जो सॉल्वेंट है वो हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम कहलाता है और जो ड्रग पार्टिकल यूज़ हो रहे हैं फॉर्मुलेशन में ऐड होने के लिए सॉल्वेंट में, वो कहलाते हैं हमारे डिस्पर्स फेज. अ गुड एग्जांपल ऑफ सच लिक्विड डोजेस फॉर्म इज सस्पेंशन एंड इमल्शन. इस तरह के बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉमनली यूज हैं सस्पेंशन एंड इमल्शन. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स. अब इसका बच्चों क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स कितने क्लास में डिवाइडेड है. द बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सस्पेंशन एंड राइट हैंड साइड इमल्शन. नाउ सस्पेंशंस. सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशंस आर बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स कंटेनिंग एसेंशियली इनसॉल्युबल फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स और ड्रग सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए सस्पेंडिंग एजेंट इन अ लिक्विड मीडियम. इसको इस तरह से समझते हैं कि सस्पेंशन में क्या होता है, ये एक तरह की फॉर्मुलेशन होती है जिसमें क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो कि बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं, जाकर के उसको अच्छे से उसके अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं. किसकी हेल्प से? ड्रग के साथ में हमें कुछ मिलाना पड़ता है. वो क्या है? सस्पेंडिंग एजेंट. कुछ एजेंट, कुछ और एडिशनल एडिटिव्स मिलाने पड़ते हैं, वो हमारे कहलाते हैं सस्पेंडिंग एजेंट. किसमें? जो लिक्विड मीडियम जिस सॉल्वेंट में हमारी ड्रग ऐड हो रही है उसमें सस्पेंडिंग एजेंट भी, एक थर्ड सब्सटेंस भी ऐड करना पड़ता है. तो सस्पेंशंस आर बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स कंटेनिंग एसेंशियली इनसॉल्युबल फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स और ड्रग सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए सस्पेंडिंग एजेंट इन ए लिक्विड मीडियम. सेम ये प्रिपरेशन भी देखिए मोनोफेजिक लिक्विड्स की तरह है, बस इसमें क्या है, ये इस मोनोफेजिक लिक्विड में क्या होता था कि ड्रग और ड्रग सॉल्वेंट में जाकर के मिसिबल हो जाती थी, अच्छे से मिल जाती थी, क्लियर सोल्यूशन देता था. सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि जो ड्रग है हमारी वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाती है जाकर के, बट वो क्लियर सोल्यूशन नहीं देता है. और साथ ही साथ इसमें एक थर्ड एजेंट भी यूज़ होता है जो है सस्पेंडिंग एजेंट, सॉल्वेंट में ऐड होता है ताकि प्रिपरेशन हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उस ड्रग के वो मिसिबल उसके साथ में डिस्पर्स होकर के एक होमोजीनस सॉल्यूशन, होमोजीनस सस्पेंशन प्रोड्यूस करें. अ सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज डिस्पर्स फेज वेयर एज लिक्विड एक्ट एज कंटिन्यूस फेज. जैसा कि बताया गया है आपको कि सॉलिड पार्टिकल कहलाते हैं हमारे डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूस फेज कहलाती है हमारी क्या, जो लिक्विड पार्टिकल, जो लिक्विड एजेंट जो कि सॉल्वेंट हमारा यूज़ हो रहा है सस्पेंशन को बनाने के लिए, सॉलिड पार्टिकल को मिक्स करने के लिए.
द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडिंग सस्पेंडेड ड्रग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.5 to 5 माइक्रॉन। जब हम सस्पेंशन बनाते हैं तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो ड्रग यूज़ हो रही है सॉल्वेंट में ऐड होने के लिए, उस ड्रग का जो पार्टिकल साइज़ है, पर्टिकुलर ड्रग में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल का जो साइज़ होना चाहिए उसकी रेंज 0.5 से 5 माइक्रॉन के रेंज में उसको होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो हमारा फॉर्मुलेशन ठीक से प्रिपेयर नहीं होगी और प्रॉब्लम आने लगेगी। इस वजह से जो ड्रग पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो इस रेंज में होना चाहिए, इट इज़ नोटेड इन रेड, दैट इज़ 0.5 to 5 माइक्रॉन। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन, डेफिनेशन देख लेते हैं। सस्पेंशन इज बायफेजिक सिस्टम इन विच अ डिस्पर्स्ड स्टेट इज सॉलिड व्हाइल कंटिन्यूअस फेज इज लिक्विड। सस्पेंशन में, सस्पेंशन क्या होता है, ये बायफेजिक सिस्टम है। बायफेजिक दो फेज का सिस्टम है, एक फेज इसमें डिस्पर्स्ड फेज कहलाती है जो कि सॉलिड होती है, और जो कंटिन्यूअस फेज होती है वो हमारी ऑयली या एक्वस या लिक्विड प्रिपरेशन, लिक्विड सॉल्वेंट हो सकता है, वो कंटिन्यूअस फेज कहलाती है। द सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ एजेंट दैट इज नोन एज सस्पेंडिंग एजेंट। ये हमारी सस्पेंशन की डेफिनेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट सस्पेंशन। देखिए बच्चों, इस तरह से सस्पेंशन की प्रिपरेशन बनाने के बाद में दिखता है, डिस्पर्स हो जाते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे कंटिन्यूअस फेज जो कि डिस्पर्सन मीडिया है उसमें डिस्पर्स हो जाते हैं जा करके, और उसमें तैरने लगते हैं, इस तरह की प्रिपरेशन। और ये किस वजह से होता है, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, किसकी वजह से, जो हम सस्पेंडिंग एजेंट उसमें ऐड कर रहे हैं उस वजह से ये पार्टिकल्स फॉर्मुलेशन में तैरते रहते हैं, या अगर कुछ सेटल हो भी गए तो फिर से शेक करने पर वो अपनी प्रीवियस स्टेज में आ जाते हैं। देखिए आइब्रोप्रोफेन का एक सस्पेंशन का हमने एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है। नाउ एडवांटेजेस, अब सस्पेंशन हम क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के थ्रू ही हम अपनी प्रिपरेशन को देते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं सस्पेंशन के। इसके एडवांटेजेस हैं स्टेबिलिटी, सस्पेंशन मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के कंपेयर में लिक्विड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो सस्पेंडिंग जो ड्रग एजेंट हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं, और जो प्रिपरेशन इसमें बन रही है वो या तो ऑयली भी हो सकती हैं, एक्वस भी हो सकते हैं, किसी कोई ऐसा सॉल्वेंट भी हो सकता है जिसमें जो ड्रग पार्टिकल मोनोफेजिक में ठीक से नहीं बन पाए थे वो सस्पेंशन के फॉर्म में अच्छे से बन जाए और वो स्टेबल हो। नाउ चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट की चॉइस हमें मिल जाती है। उसमें क्या होता था, या तो वाटर ही मेनली व्हीकल होता था, बट सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो हम ऑयल्स भी ले सकते हैं, अल्कोहल्स भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, तो लॉट्स ऑफ चॉइसेस आर देयर फॉर मेकिंग द सस्पेंशन। एंड मास्क द टेस्ट, सस्पेंशन का एक रोल ये भी है कि ये किसी भी तरह का कोई डिसएग्रीएबल टेस्ट होता है जो कि हम ह्यूमंस जनरली, बच्चे या जीरियाट्रिक पेशेंट्स या हमारे ओल्डर एज के भी जो पेशेंट्स होते हैं वो नहीं लेना चाहते हैं, तो उसका टेस्ट मास्क कर दे करके हम सस्पेंशन को बना सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, सस्पेंशन जो होता है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, कोई भी मेडिकेशन हम दे रहे हैं तो उसका जो रिलीज़ होता है वो स्लोली होता है, तो ज़्यादा देर तक प्रिपरेशन का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में रहता है। एंड बायोअवेलेबिलिटी, इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो लिक्विड प्रिपरेशन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होती है, तो ताकि जो हम बॉडी में इसका जो सस्टेनिंग इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होगा, बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगी तो ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करेगी एक्शन, और ड्रग का जो हमें जो रोल है वो हमें अच्छा मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर डोजेस फॉर्म्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन इज क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स, नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एंड फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन या डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन प्लीजेंट अपियरेंस होता है इनका बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्पर्शन ऑफ पार्टिकल। जो नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो क्या होते हैं कि इनको देखने में इनका अपियरेंस बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो ड्रग पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि इसमें सेडिमेंटेशन हो जाता है, जो फॉर्मुलेशन होती है वो थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, पूरी तरह 24 आवर्स उसमें डिस्पर्स नहीं रहती है,
तो इसका जो अपीयरेंस होता है देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अब नॉन फ्लॉगुलेटेड सस्पेंशन में सुपरनेटेंट रिमेन्स क्लाउडी, इसमें जो सुपरनेटेंट मींस जो अपर की लेयर होती है वो कहलाती है सुपरनेटेंट, और जो लोअर की लेयर होती है वो हमारी, इसमें सुपरनेटेंट में क्या होता है कि ये क्लाउडी होता है, जो उसकी अपर साइड की जो लेयर होती है वो क्लाउडी होती है और जो लोअर साइड की लेयर होती है वो क्लाउडी नहीं होती है। तो इसका जो और नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट एंटिटीज़ में रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, फोर्थ पॉइंट, जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो स्लो रहता है। उसकी जो सेटल होने की जो टेंडेंसी होती है बच्चों वो स्लो रहती है, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज हल्के होते हैं तो ये जल्दी सेटल नहीं होते, फॉर्मुलेशन में ही डिस्पर्स मोड में रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में, फिफ्थ पॉइंट है पार्टिकल्स सेटल्स इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली। पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली सेटल होते हैं और सेपरेट रहते हैं। द सेडिमेंटेशन इज क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म ए हार्ड केक, बट जब भी सेडिमेंटेशन इसमें हो जाता है, मींस जब पार्टिकल साइज नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं बॉटल में, तो ये टाइटली पैक हो जाते हैं और एक हार्ड केक बना देते हैं, जो कि शेक करने पर ये प्रॉपरली अपने प्रीवियस स्टेज में नहीं आ पाते हैं प्रिपरेशन। तो द बायोअवेलेबिलिटी इज़ हायर ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो हायर होती है इन कंपैरिजन टू अदर प्रिपरेशंस, बिकॉज ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ड्रग के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं फॉर्मुलेशन में। तो जब ड्रग पार्टिकल अच्छे से मिसिबल होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो जब प्रिपरेशन हमारी बॉडी में इनटेक की जाएगी तो वो काफ़ी हद तक साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच करके मैकेनिज्म और एक्शन, जो ड्रग का जो एक्शन है वो अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। अब फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। फ्लॉकुलेटेड सिस्टम में क्या होता है, नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन या नॉन फ्लॉकुलेटेड सिस्टम इसको भी बोल सकते हैं, और फ्लॉकुलेटेड सिस्टम या फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन भी हम इसे बोल सकते हैं। नॉन फ्लॉकुलेटेड को डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन भी बच्चों बोलते हैं। अब फ्लॉकुलेटेड में देख लेते हैं, सम वॉट अनसाइटली सेडिमेंट, ये जो प्रिपरेशन है ये कभी कभी नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है बॉटल में। हमने देखा होगा कि जो प्रिपरेशन होती है वो कभी कुछ प्रिपरेशन क्या होती है, नीचे के साइड में सेटल डाउन हो जाती है। यही फ्लॉकुलेटेड प्रिपरेशन होती हैं कि जो नीचे के साइड जो रखने पर सेटल डाउन हो जाए। इसका जो सुपरनेटेंट है वो क्लियर होता है, मींस जो बॉटल में अपर के साइड की जो लेयर होती है वो क्लियर दिखती है। जब पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे तो सॉल्वेंट अलग नज़र आएगा, दैट्स व्हाई इट इज़ क्लियर। पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट्स, इसमें ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज एग्रीगेट बना लेते हैं, आपस में अटैच तो हो जाते हैं बट बहुत टाइटली पैक नहीं होते हैं, शेक करने पर ये फिर से रीडिस्पर्स हो जाते हैं। रेट पार्टिकल सेटल्स एज ए फ्लॉक्स, जो पार्टिकल्स आपस में सेटल हो जाते हैं नीचे के साइड में उसे फ्लॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट इज़ ए लूजली पैक्ड नेटवर्क एंड हार्ड केक कैन नॉट फॉर्म, इसमें जो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटल में वो कह रहा है कि ये हार्ड केक नहीं बनाते हैं, जबकि नॉन फ्लॉकुलेटेड में क्या हो रहा था, हार्ड केक बना रहे थे। नाउ सेडिमेंट इज़ ईजी टू रीडिस्पर्स, जो इसका सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं जो रख के उसे रीडिस्पर्स हम कर लेते हैं, जब शेक करते हैं तो ये फिर से यूनिफॉर्म पोजिशन में फॉर्मुलेशन में के फॉर्म में हमें अवेलेबल हो जाते हैं। बायोअवेलेबिलिटी इज कंपेरिजन टू लेस ड्यू टू स्मॉल स्पेसिफिक सर्फेस एरिया, इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है हमारी बॉडी में वो थोड़ी लेस होती है इन कंपेरिजन टू नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, बिकॉज इट कवर्स लेस सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी और ऑफ द साइट ऑफ एक्शन। जब ड्रग ज़्यादा बॉडी के एरिया में कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, ज़्यादा साइट ऑफ एक्शन पर कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, तो क्या होगा कि जो ड्रग का एक्शन है वो सही से प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए इसका ये एक डिसएडवांटेज भी है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन या फ्लॉकुलेटेड सिस्टम का। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए सस्पेंशन, अब देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी इसकी किस तरह से मेंटेन होती है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कि सस्पेंशन हमारा ख़राब ना हो उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस हमारी सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन को स्टेबल करती हैं। नंबर वन पॉइंट, सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन,
जो सस्पेंशन के सेटल होने की जो रेट है उसका क्या कारण है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये हमें इसमें देखना होगा। नंबर वन पॉइंट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। बच्चों, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है कि जब हम ऐसे ही एयर में कोई टॉर्च हम मारते हैं, टॉर्च को हम जब इससे लाइट जब जलाते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ पार्टिकल्स हमारे घरों में एयर में तैरते हुए हमें दिख जाते हैं। यही जो पार्टिकल्स इधर उधर जो एक्शन करते हैं, इधर उधर जो मूवमेंट करते हैं, ये हमारा मूवमेंट कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। ये पार्टिकल ज़िगज़ैग मूवमेंट जो करते हैं वो हमारा मूवमेंट कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, इसी तरह जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसमें भी जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो 2 to 5 millimeter होता है अगर, तो वो फॉर्मुलेशन हमारी ब्राउनियन मूवमेंट करती है। ये मूवमेंट अगर है तो हमारी फॉर्मुलेशन स्टेबल रहेगी। नाउ सेकंड हमारा है सेडिमेंटेशन। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय स्टोक्स लॉ यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये बच्चों, सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जब हमारी कोई फॉर्मुलेशन नीचे सेटल डाउन हो रही है तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे पार्टिकल का साइज़, पार्टिकल का डायमीटर, एक्सेलरेटेड ग्रेविटी और मीडियम की विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं कि हमारी फॉर्मुलेशन बहुत ही सही से बने। इसके लिए हमें स्टोक्स लॉ होता है, स्टोक्स लॉ का फार्मूला है ये ऊपर दिया हुआ है, मेंशन है, जिसमें डी इज़ द पार्टिकल डायमीटर, रो एंड पी वन इज आर द डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल एंड लिक्विड्स, एंड जी इज़ द एक्सेलरेटेड ग्रेविटी, एंड ईटा इज़ द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ये सभी चीज़ें अगर ठीक हैं तो हमारी फॉर्मुलेशन स्टेबल रहेगी। इन सस्पेंशन 0.5 to 2% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। ये लाइन ये कह रही है कि अगर हमारी फॉर्मुलेशन में जो पार्टिकल साइज़ है ड्रग का वो 0.5 to 2% है तो वो हमारी प्रिपरेशन सेडिमेंटेशन के साथ में इंटरफेयर नहीं करेगी और वो डिस्पर्स यूनिफॉर्मली रहेगी। बट अगर इससे ज़्यादा है तो पार्टिकल्स सेटल डाउन होने के चांसेस रहते हैं और प्रिपरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहती है, जो हमारा सस्पेंशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। नाउ थर्ड वन इज पार्टिकल साइज। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। ये कह रहा है लाइन कि जो पार्टिकल साइज़ होता है, अगर पार्टिकल साइज़ कम होगा उतना ही सस्पेंशन हमारा अच्छा होगा, अगर पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा तो सस्पेंशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर छोटा पार्टिकल साइज़ है, स्मॉल पार्टिकल साइज़ है, तो सस्पेंशन का जो रेट ऑफ सेटलमेंट है वो कम होगा। बॉटल में अगर छोटे पार्टिकल्स में है तो वो उसमें अच्छे से मूव करता रहेगा, मिक्स रहेगा, और अगर ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए पार्टिकल साइज़ क्या स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है। स्मॉलर पार्टिकल साइज़ के बने हुए जो सस्पेंशन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू लार्जर पार्टिकल साइज सस्पेंशन। नाउ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। अब हमने अभी तो बात करी जो जो ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल से रेलिवेंट, अब हम बात कर रहे हैं कि विस्कोसिटी, जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं, जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी फॉर्मुलेशन पर, हमारे सस्पेंशन पर। तो विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। जो सेडिमेंटेशन की रेट है वो अपोजिट होता है विस्कोसिटी के। विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन शुड बी ऑप्टिमम। विस्कोसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग सस्पेंडिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट। अगर फॉर्मुलेशन हमारी विस्कस है तो जो हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो कम होगा, और अगर फॉर्मुलेशन कम विस्कस है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा। प्रिपरेशन को विस्कस रखना है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें मिक्स रहें, मिसिबल रहें फॉर्मुलेशन में, और वो नीचे सेटल डाउन ना हो। इसलिए विस्कोसिटी अच्छी होनी चाहिए फॉर्मुलेशन को स्टेबल करने के लिए। विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट का यूज़ हम करते हैं। डेंसिटी, अब डेंसिटी का स्टेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट है सस्पेंशन की। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंसेस ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड।
जो सॉलिड और लिक्विड की जो डिफरेंसेस हैं डेंसिटी का, वो सेडिमेंटेशन के रेट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जब इसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो हमारा कम हो जाएगा जब पार्टिकल्स की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, और अगर लिक्विड की डेंसिटी और पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी हमारा ज़्यादा होगा। सो इसलिए डेंसिटी का इफ़ेक्ट हमारे स्टेबिलिटी पे काफ़ी हद तक पड़ता है। ये लाइन कह रही है, लेसर द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड मीडियम, स्लोअर इज़ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। यही जो मैंने आपको बताया कि अगर डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी कम हो जाएगा, मींस अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम है तो फॉर्मुलेशन में जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से सस्टेन करेंगे और जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो फॉर्मुलेशन में यूनिफॉर्म रहेगा। एग्जांपल, द एडिशन ऑफ सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन एंड शुगर और कम्बिनेशन ऑफ दीज मे बी हेल्पफुल इन सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, शुगर का कॉम्बिनेशन ये क्या करते हैं कि सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स में हेल्प करते हैं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द कंटिन्यूअस मीडियम द पार्टिकल विल सेटल डाउनवर्ड्स, द फिनोमेना इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ये दो टर्म है बच्चों इसमें, सेडिमेंटेशन एंड क्रीमिंग। इसको ऐसा समझते हैं कि जब हम अपने घरों में देखते हैं कि जब हम मिल्क को अच्छे से हम उसे चला देते हैं तो क्या होता है, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं क्रीम के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है हमारा, क्रीमिंग। मींस जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे फैट के वो ऊपर के साइड में डिपॉजिट हो जाते हैं वो क्रीमिंग कहलाते हैं। बट सेडिमेंटेशन में जस्ट उल्टा होता है, जो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की वो कहाँ सेटल डाउन जाते हैं, नीचे। जैसे हमने क्या किया, सैंड मिला दिया पानी में, तो सैंड क्या होगा, मिट्टी क्या होगी, नीचे जा कर के बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल साइज़ है वो उसका ज़्यादा है, वो ज़्यादा भारी है और वो नीचे जा कर के सेटल डाउन हो गया। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है सेडिमेंटेशन। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन द कंटिन्यूअस मीडियम द पार्टिकल विल सेटल डाउनवर्ड्स, द फिनोमेना इज नोन एज सेडिमेंटेशन। जब कंटिन्यूअस मीडियम, जिस मीडियम में हम पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हैं, ड्रग को ऐड कर रहे हैं, अगर उसका पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो वो नीचे मीडियम में जो व्हीकल है, जो सॉल्वेंट है, उसमें जा कर के नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है बच्चों। और सेम इसका अपोजिट क्रीमिंग है कि जो पार्टिकल साइज ज़्यादा हल्के होते हैं और उसे जब हम चलाते हैं, उसे राउंड राउंड उसे हम जब घुमाते हैं तो क्या होता है कि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर में, अप साइड ऑफ द सरफेस सेंटर में इकट्ठा हो जाते हैं। ये फिनोमिना हमारी कहलाती है क्रीमिंग। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन में इसके प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन देख लेते हैं। नंबर वन इज प्रेसिपिटेशन मैथड। प्रेसिपिटेशन मैथड में थ्री मैथड्स होते हैं बच्चों। पहला मैथड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन, दूसरा है प्रेसिपिटेशन इफेक्टेड बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ द मीडियम, एंड थर्ड वन इज डबल डिकम्पोजिशन मेथड। नाउ फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन। वाटर इनसॉल्वेबल ड्रग्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय डिसॉल्विंग देम इन वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो वाटर इनसॉल्वेबल ड्रग्स होती हैं उसे हम वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऐड करके उसे हम डिसॉल्व करते हैं, उसे हम मिक्स करते हैं। जैसा कि एग्जांपल है अल्कोहल, एसीटोन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल एक्सेट्रा, एंड देन ऑर्गेनिक फेस को डिस्टिल्ड वाटर में हम ऐड करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन टू प्रोड्यूस सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज रेंज इन द 1 to 5 millimeter। सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो ड्रग हमारी होगी जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होगी उसे हम पहले अल्कोहल में ऐड कर लेंगे। अल्कोहल, एसीटोन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक्सेट्रा, इसमें ऐड करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे। फिर उसको हम जो सॉल्वेंट हमारा यूज़ हो रहा है उस ऑर्गेनिक फेज में, उस ऑर्गेनिक फेज को डिस्टिल्ड वाटर में अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिस्टिल्ड वाटर उसमें उस प्रिपरेशन को धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे और सस्पेंशन प्रोड्यूस करेंगे। बट हमें यह ध्यान रखना है कि जो ड्रग का पार्टिकल साइज़ है वो 1 to 5 millimeter की रेंज में ही होना चाहिए, 0.5 to 5 millimeter या 1 to 5 millimeter के रेंज में होना चाहिए। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन।
मींस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमने क्या किया, पहले अपनी प्रिपरेशन को ऐड किया, पहले अपनी ड्रग को ऐड किया, फिर उसको हमने धीरे धीरे डिस्टिल्ड वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसमें मिला करके फाइनल वॉल्यूम प्रिपरेशन का बना दिया। इसका एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम ए मिथेनॉलिक सोल्यूशन टू प्रोड्यूस ए सस्पेंशन इन वाटर। प्रेडनिसोलोन का हमने एग्जाम्पल लिया है, प्रेडनिसोलोन मिथेनॉलिक्स मिथेनॉल में इसका सोल्यूशन बनाया, फिर उसको हमने क्या किया कि वाटर में डिस्टिल्ड वाटर में ट्रांसफ़र कर दिया धीरे धीरे और सस्पेंशन बना लिया। ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड की। अब इसका नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन इफेक्टेड बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ द मीडियम। जो हम मीडियम ले रहे हैं ड्रग को ऐड करने के लिए, उसका चेंज पीएच चेंज करने के साथ में हम इस प्रिपरेशन को बनाते हैं। कैसे करते हैं, ए ड्रग मे बी रीडली सॉल्युबल एट ए सर्टेन पीएच एंड प्रेसिपिटेट एट अनदर पीएच। जो ड्रग है एक पर्टिकुलर पीएच पर सॉल्युबल हो जाती है और फिर क्या करते हैं और दूसरे पीएच पर वो जो दूसरा सॉल्वेंट है उस पीएच पे जा करके वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रग को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेंगे, कोई ड्रग हमने ली उसको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लिया, उसमें उसको मिसिबल कर लिया, जब वो मिसिबल हो गई उसमें डिसॉल्व हो गई सॉल्युबलाइज हो गई, फिर उसको क्या किया दूसरे सॉल्वेंट जो है हमारा जिसमें वो प्रेसिपिटेट हो जिसमें वो सॉल्युबलाइज नहीं हो रही थी, फिर उसमें धीरे धीरे उस ड्रग सॉल्यूशन को ऐड किया और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमने फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर कर लिया। सो दिस टाइप ऑफ ड्रग इज़ फर्स्ट डिजॉल्व इन फेवरेबल पीएच एंड देन सॉल्यूशन इज पोर्ड इनटू अनदर बफर सिस्टम टू चेंज द पीएच ऑफ मीडियम। जो हमने बताया ये लाइन यही कह रही है, एंड द ड्रग विल फॉर्म सस्पेंशन इन द मीडियम ऑफ सेकेंड फेज। जो ड्रग है सस्पेंशन हमारा फॉर्म हो जाएगा सेकेंड फेज में। क्या किया, सबसे पहले तो हमने ड्रग को सॉल्युबलाइज कर लिया एक डिफरेंट सॉल्यूशन में, एक डिफरेंट सॉल्वेंट में जिसका पीएच ऐसा था जो ड्रग को सॉल्युबलाइज करने के लिए सफिशिएंट था। फिर क्या किया, एक दूसरा सॉल्वेंट लिया, उस दूसरे सॉल्वेंट में उस ड्रग के सॉल्यूशन को हमने धीरे धीरे जिसमें वो सॉल्युबलाइज हो गई थी उसमें ऐड करते गए, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमारा सॉल्वेंट हमारा जो प्रिपरेशन है सस्पेंशन हमें ऑब्टेंड हो गया। इसका एग्जांपल है स्टेडियोल सस्पेंशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। स्टेडियोल इज रीडली सॉल्युबलाइज इन एल्कली एज पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। ये इसका एग्जांपल है बच्चों। नाउ थर्ड वन इज डबल डिकम्पोजिशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन मेथड में दो वाटर सॉल्युबल इट इन दिस मेथड टू वाटर सॉल्युबल रिएजेंट्स फॉर्म्स ए वाटर इन सॉल्युबल प्रोडक्ट। जो इसमें क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन मेथड में दो वाटर सॉल्युबल रिएजेंट लेकर के हम एक वाटर इन सॉल्युबल प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये हमारा मेथड कहलाता है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। इसका एग्जांपल है वाइट लोशन इज प्रिपेयर्ड बाय स्लोली एडिंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरेटेड पोटाश टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक पॉली सल्फाइड। इसमें क्या, जिंक सल्फेट को लेते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं किसमें, सल्फ्यूरेटेड पोटाश में, जिसमें क्या होता है इसमें सल्फ्यूरेटेड पोटाश के साथ में जब जिंक सल्फेट मिलता है तो जिंक पॉलीसल्फाइड का प्रेसिपिटेट जो कि एक थर्ड एजेंट है ये बनता है जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑब्टेंड होता है और यही हमारा सस्पेंशन कहलाता है। ये प्रोसेस हमारा कहलाया डबल डिकम्पोजिशन मैथड। नाउ सेकेंड वन इज डिस्पर्शन मैथड। डिस्पर्शन मेथड में क्या होता है, ये इसमें दो पार्ट्स होते हैं, नंबर वन इज़ स्मॉल स्केल प्रिपरेशन, नंबर टू इज़ लार्ज स्केल प्रिपरेशन। डिस्पर्शन मेथड इज़ वेरी सिंपल, इन दिस केस द पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग इज़ डायरेक्टली डिस्पर्स इन द लिक्विड मीडियम। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा ड्रग का जो कंटेंट है, ड्रग पाउडर है, वो डायरेक्टली सॉल्वेंट में ऐड करते जाते हैं और अच्छे से मिक्स करते जाते हैं, तो क्या होता है ये हमारी प्रिपरेशन बन जाती है। जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो पाउडर को, जो ड्रग है हमारा, उसको अच्छे से भिगो ले, उसे वेट करके एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल करा दे। तो डिस्पर्शन मेथड के लिए दो प्रोसेस हैं, एक तो स्मॉल स्केल प्रिपरेशन मेथड है और दूसरा लार्ज स्केल प्रिपरेशन मेथड है। स्मॉल स्केल प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है कि हम क्रिस्टल मोर्टार में प्रिपरेशन को लेते हैं और उसमें हम ड्रग को लेते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे सॉल्वेंट डालते जाते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते जाते हैं, फाइनल वॉल्यूम मेकअप करके उसे हम बॉटल में डिस्पेंस कर देते हैं विद लेबलिंग।
ये तो हो गया हमारा स्मॉल स्केल या लैब मेथड कहलाता है। लैब में हम बच्चों इसी तरह से प्रिपरेशन को अपनी बनाते हैं। और लार्ज स्केल मेथड में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में अगर पाउडर कंटेंट है हमारे, सॉलिड पार्टिकल्स है, तो उसको हम मशीन्स होती हैं जो कि जिसका नाम है बाल मिल, पेबल मिल या कोलाइड मिल। मशीन्स में क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते जाते हैं, तो हमारा सस्पेंशन हमें ऑब्टेंड हो जाता है। जो मशीन्स हैं उनके नाम हैं बाल मिल, पेबल मिल एज वेल एज कोलाइड मिल। ये हो गया हमारे सस्पेंशन का दूसरा मेथड, डिस्पर्शन मेथड। उसमें दो प्रोसेस हैं, स्मॉल स्केल प्रिपरेशन एज वेल एज लार्ज स्केल प्रिपरेशन। नाउ पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की पैकेजिंग और स्टोरेज, इसमें ओरल सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन वाइड माउथ कंटेनर। जो सस्पेंशन होते हैं बच्चों हमेशा वाइड माउथ कंटेनर में ही पैक किए जाते हैं, बिकॉज सो दैट दे कैन बी ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम दैम एंड विदाउट डिले। जो सस्पेंशन होते हैं वो थिक सॉल्यूशंस होते हैं, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम नैरो माउथ कंटेनर में नहीं लेते हैं, इसको हम वाइड माउथ कंटेनर में ही लेते हैं ताकि वो ईजिली रिमूव हो सके और विदाउट डिले, बिना किसी देरी के ईजिली रिमूव आउट हो सके। हाँ, और इसका एक कंडीशन इसमें होती है कि जो बॉटल होते हैं उसमें जो हम लेबलिंग करते हैं उस लेबल पे शेक वेल बिफोर यूज़ या शेक द बॉटल बिफोर यूज़ लिखना नहीं भूलना है हमें। जो बॉटल है उसमें शेक वेल बिफोर यूज़ ज़रूर लिखना है, क्योंकि सस्पेंशन में ये ज़रूर मेंशन होता है। दिस इज़ द मेन लाइन ऑफ लेबलिंग फॉर सस्पेंशंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन। Now these are the references from which I have taken the topic. Thank you.